अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दारुल वही इंस्टीट्यूट में। हम मोहम्मद अवैस मरसद करीब भाई मोहम्मदी साहब मौजूद हैं। कर सब से आज हम क्वेश्चन करेंगे कि हमको कोई ऐसे ख्वाब बताएं जिनकी बहुत खूबसूरत और अच्छी और प्यारी तबीरें होती हैं, ताकि हमारे नाज़रीन को वो ख्वाब आएँ तो हमें पता चल सके कि इनकी बहुत अच्छी और प्यारी और खूबसूरत तबीर होती है। जी सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा ख्वाब कि मेरे शहद की मक्खी बड़ा ही कीमती ख्वाब है। अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी की तरफ वही की है। इतने इम्पोर्टेंट अल्लाह की मखलूक है, उसका अल्लाह ताला ने जिक्र भी किया है। औहा रब्बुका इलन नहल, ऊपर कहीं अपना घर बना। और इसको एक इंजेक्शन भी दे दिया। तो अब यह है कि इसकी जिम्मेदारी है कि फूलों से फलों से रस निकालना और इंसान के लिए शिफा वाला शरबत तैयार करना। तो अब इसको जो शख्स देखता है, हाँ, इस बंदे को किसी बंदे से नफा मिलेगा। इसी तरह ख्वाब के अंदर इंसान सर के ऊपर पगड़ी देखता है, इसकी अल्लाह इज्जत प्रदान कर देगा। इस तरह ख्वाब के अंदर इंसान संदल लगाता है तो इसकी शादी हो जाएगी। इसी तरह ख्वाब के अंदर इंसान जो है वो साबुन देखता है, अल्लाह ताला इसके दिल की सफाई कर देगा। तो ये थे चार ख्वाब जिनकी तबीरें मेरे नाज़रीन के सामने। अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से, बुरा ख्वाब शैतान की तरफ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله।